जी आपने कहा कि हमारे यहाँ बड़े पेशेंस से सुनेंगे, बोलिए। हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान है, ये याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने दो चार नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जिल इमाम का, शर्जिल इमाम क्यों आज जेल में बंद है, उसके स्टेटमेंट्स को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स, शर्जिल इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं है उससे कई गुना ज्यादा, कई कहीं ज्यादा इस देश में है। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं यहाँ। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जो कोई भी इस देश में, भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, देख रहे होते हैं, आ रही होती हैं वीडियोस जहां पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, ये तो सिख है, क्यों इत्तेजाज कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं खालिस्तान, हर कोई जो इस देश के खिलाफ, सारी माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज, आप अपनी माइनॉरिटीज देखे ना, 1947 में आपके यहाँ माइनोरिटीज की संख्या, हमारे यहाँ माइनोरिटीज को कुछ भी नहीं, सब बड़े खुश हैं। यहाँ आप, हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाक्य पेश नहीं आते। अरे अरे अरे, आपके यहाँ तो कुछ नहीं होता, जो जबरन, और अगर कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा वाक्य पेश आएगा तो गुलाम वसन को बता दें कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी, ऐसा ही है गुलाम वसन साहब। अच्छा, आप सुनवा में आपकी बात शादियां करते हैं, आप जबरदस्ती बच्चे पैदा करते हैं, आप जालिम को सपोर्ट कर रहे होते। आप बताएं बाकी आपको, हम भी फिर आपको बता देते कि आपके यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर फिजा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप बताएं ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताएं आप। 1947 में माइनॉरिटीज 10% से ज्यादा थे, आज माइनॉरिटीज आपके यहाँ कितने हैं, 2.5-3% पर आ गए। कहाँ गए ये 7-8% की जो आबादी है वो कहाँ चली गई, और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती चली गई, ऐसा क्या कर दिया आपने। आप आदमखोर शेर तो है नहीं जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया, और जो बच गए उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। आए दिन बता देना, नरेंद्र मोदी से इतना मेरा ना डरा करें आप। अरे कोई नहीं डर रहा मैडम, पाकिस्तान केवल डरता है, और वाकई कोई नहीं डरता। हम मुस्कुरा रहे हैं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि उस डर से आप कांप रहे हैं। जब पाकिस्तान की कपकपी छूटती है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जो जुल्म ढाए हैं अपने लोगों पर, याद कीजिए, और अगर जुल्म नहीं ढाए होते तो आज इमरान खान को वापस नहीं जाना पड़ता। आपके सामने सारा इतिहास, आप मत जाइए इतिहास में, 4-5 दिन पीछे चले जाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कहाँ भाग रहे हैं इधर से उधर। रही बात, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जुल्म ढाती है, इस देश में जितने खुश मिजाज से हम रह रहे हैं शायद ही कोई और देश होगा। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, हमें किसी अमेरिका से नसीहत की जरूरत नहीं है। आप चीन के पिट्ठू बनकर के रहिए, देखा ना आपने श्रीलंका का हाल, वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है, वही चीन कहता है वैसा करते हैं। और मत बोलिए, आज भी हम आपके पड़ोसी मुल्क हैं, आप हमसे ही बने हैं। आपके हवास पे कुछ सवार रहते हैं सर, इसका जवाब दे दें नीरज। मेरी बात चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आपके हवास पे क्यों सवार रहती है, इसका जवाब देते। बात क्या हो रही है, चीन पे चले जाते हैं, चीन पाकिस्तान की दोस्ती पे चले जाते हैं क्यों। हमने इसलिए ये बात कहा क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका के साथ आप क्वाड में बैठे हैं, हम क्यों ना बैठे भाई, हम ताकतवर हैं इसलिए हम बैठे हैं। दोस्ती बराबर वालों से होती आप समझिए, इसलिए हम साथ में बैठे हैं। आप नहीं है इसका मतलब आप बराबर में नहीं है, साधारण सा, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप इमरान खान आपने कितनी बार किस बात की बोली है भाई, इमरान खान अब नहीं रहे, आप उनसे पूछिए, सत्ता में अब वो नहीं है, पूछिए कि कितनी बार मेहनत की कि भारत, अभी रिसेंटली इमरान खान का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि भारत कैसा अपना डेमोक्रेसी चलाता है, कैसे दादागिरी करके रखता है, कैसी वहां की व्यवस्था है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। इमरान खान का स्टेटमेंट अगर नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा कि व्हाट इज सेट अप। हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड योर होल नेशन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड योर होल नेशन, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं जिससे किसी को भी परेशानी होगी।
हम वही कर रहे हैं, ये देश में वही हो रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की कहता है, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है। और आज की भी जो घटना है, देखिए दिल्ली में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, हर चीज यहाँ कोर्ट से चलता है। आप कोर्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर के, इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि कहीं भी लाउड स्पीकर, चाहे वो मंदिर में बजे चाहे वो मस्जिद में बजे, अपने प्रीमाइसेस से ज्यादा उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकता है? आप बताइए, क्या सऊदी अरब में लाउड स्पीकर अलाउड है? आपका अपना कंट्री है, आप बता कीजिए। वहां के मुसलमानों के बारे में आपको पता होगा, क्या वहां के मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है? ये देश कानून व्यवस्था से चलता है, हर एक को अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, उसके पास अधिकार है, वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकता है। आपने कहा कि आपके यहाँ के कोर्ट बायस्ड है, अगर बायस्ड होता तो पहले ही नजर में उसकी याचिका को ठुकरा दिया जाता। ये इसीलिए मैं आपको दलील दे रहा हूँ, ये कोर्ट हिंदुस्तान का जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो लॉ एंड ऑर्डर और संविधान से चलता है। वो आपके जैसा नहीं है कि आंखें बंद करके चल रहा है, बिल्कुल आप समझिए इन बातों। जी जी नहीं, मैं बताओ जी, देखिए मैं आपको बताऊं, पेशे के साथ इंसाफ भी होगा आपकी सहाफत के पेशे के साथ, अगर आप सही बात करें। इस देश का संविधान कैसा है कि एक इंसान तो छोड़िए, एक शैतान के लिए भी सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाता है। याद कीजिए दाऊद इब्राहिम को, उस भाई जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुला। ये देश ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, आपने एक ओरिएंटेशन बना रखा है इस कंट्री के बारे में, लेकिन यह देश उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है जिसका जो आप सोच रहे हैं। एक आदमी के लिए अगर देश, अगर सुप्रीम कोर्ट रात को खुल सकता है, तो इंसान के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता? आपने कहा कि दिल्ली दंगा को लेकर अभी तक सुनवाई जारी है। भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि पहले लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसमें टाइम होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं, दिखाई नहीं देता मेरे भाई। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बाइस्ड हो गया ना फिर सिस्टम। नहीं 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 बाइस्ड नहीं, एक सिस्टम है। बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिस पर तुरंत सुनवाई की जरूरत बताते हैं कि बाइस्ड है। अच्छा नीरज भाई, ये आप आते हैं तब तब ऐसा होता है, ये बिल्कुल ख्याली गुलाब है। मुसलमानों से इतना मांस क्यों? चुनाव अभी अच्छा नीरज, आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, हम उसको मारेंगे। 95 ईयर्स ओल्ड था सैयद अली शाह गिलानी, 95 साल तक वो इस देश की मिट्टी में रहा, इस देश की हवा में रहा, इस देश की रोटी खाई उसने। और आप उसको कैसे कहते? आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनके रिजिम में, हम उसको भी आजाद करवा लेंगे, डोंट वरी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक जवाब, एक नए आर्मी चीफ क्या बता रहे हैं? अब मैं कमेंट कर दूं आपको, आप जो कह रहे हैं ना, डोंट फॉरगेट सर बांग्लादेश, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर नेशंस, आपके सामने। हाँ तो मुझे पता है ना, आपने मुक्तिबानी बनाई थी ना, आपने माननी